मुझे ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी, अब लोगों को लगेगा कि मेरे पास काम नहीं है। ऋषि कपूर आजकल अपनी आने वाली फिल्म एक्स ऑल्दो नॉट आउट का प्रमोशन कर रहे हैं और इस दौरान उनका बेबाकी अंदाज हर किसी को देखने को मिल रहा है। ऋषि कपूर ने नंदिता दास की फिल्म मंटो में एक कैमियो किया है। इस बारे में बात करते हुए ऋषि कपूर ने कहा कि ये बहुत गलत फैसला था, पता नहीं नंदिता ने मुझसे जबरदस्ती की और मैं मान गया। ऋषि कपूर का कहना था कि मैं नहीं मानता कि किसी को भी कैमियो करना चाहिए। अब मैंने इस फिल्म में 15 से खेन का रोल किया है और लोगों को ऐसा लगेगा कि मेरे पास काम नहीं है। फिल्मों के हिट फ्लॉप होने पर भी ऋषि कपूर ने खुलकर बात की। उनका मानना है कि कंटेंट अच्छा दो तो फिल्म चलेगी वरना नहीं। रणबीर की बॉम्बे वेलवेट ही देखो, इतना प्रमोट किया गया बुरी तरह फ्लॉप हो गई। गौरतलब है कि ये पहली बार नहीं है जब ऋषि कपूर ने रणबीर की फ्लॉप फिल्मों के बारे में बात की हो। जगा जासूस और बॉम्बे वेलवेट रणबीर कपूर की ही नहीं बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है। अनुराग कश्यप, बॉम्बे वेलवेट और अनुराग बसु, जगा जासूस पर गुस्सा निकालते हुए ऋषि कपूर ने एक बार कहा था कि इन दोनों को बड़े बजट की फिल्म बनाने देने का मतलब है कि बंदर को खिलौना दे दो तो वो पागल हो जाता है। दोनों अनुराग के साथ यही हुआ, इनको छोटे बजट की फिल्में बनाने की आदत है, तो जब बड़ा बजट मिला तो ये संभाल नहीं पाए। एक बास उठा जिसने गजा जासूस या जगा जासूस क्या तो कुछ बनाया, हालांकि पहले उसने भी बर्फी जैसी शानदार फिल्म बनाई थी। ये दोनों ही पैसा मिला तो अपनी फिल्म में ऐसा घुस गए कि फिल्म ही नहीं बन पाई। फिर ऐसा होता है, किसी का भी रिकॉर्ड 100% नहीं होता। दोनों अनुराग के साथ यही हुआ, इनको छोटे बजट की फिल्में बनाने की आदत है, तो जब बड़ा बजट मिला तो ये संभाल नहीं पाए। एक बास उठा जिसने गजा जासूस या जगा जासूस क्या तो कुछ बनाया, हालांकि पहले उसने भी बर्फी जैसी शानदार फिल्म बनाई थी। ये दोनों ही पैसा मिला तो अपनी फिल्म में ऐसा घुस गए कि फिल्म ही नहीं बन पाई। फिर ऐसा होता है, किसी का भी रिकॉर्ड 100% नहीं होता। मान लो अवार्ड खरीदा, ऋषि कपूर का कहना था कि मान लो मैंने अवार्ड खरीदा ही था क्योंकि एक आदमी ने मुझसे कहा था कि मुझे अवार्ड दिलवा देगा, बदले में 30,000 लेगा। अब मैंने पैसे दे दिए और बाद में मुझे अवार्ड मिल गया, तो मैं आज तक यही मानता हूँ कि मैंने अवार्ड खरीदा था। राज कपूर के अफेयर मेरे पिता के अपनी हर हीरोइन के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक रहते थे, इतना ही नहीं नरगिस के साथ तो उनका अफेयर भी था, यहाँ तक कि मेरे होने तक भी वो मेरी माँ से प्यार नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन का घमंड, ऋषि कपूर का कहना है कि अमिताभ बच्चन अपने किसी भी को स्टार को फिल्म का क्रेडिट नहीं देते थे, चाहे वो शशि कपूर हो, धर्मेंद्र हो, विनोद मेहरा हो या फिर मैं, उन्हें हर वक्त यही लगता था कि फिल्म में उनके अलावा और कोई जरूरी नहीं है। शाहरुख मुझे थैंक यू कहे, ऋषि कपूर कहते हैं कि शाहरुख को डर मेरी वजह से मिली, मैं उस दौरान नेगेटिव रोल नहीं करना चाहता था। बाद में यश जी ने मुझे सनी वाला रोल करने को कहा पर मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे पता था कि दूसरा किरदार इस रोल को खा जाएगा। दाऊद इब्राहिम के साथ चाय में दाऊद से मिलने पहुंचा तो बताया गया कि दाऊद ने कहा कि वे शराब न पीते हैं और न ही किसी को पिलाते हैं, इसलिए उन्हें चाय पर बुलाया गया है। दाऊद ने कहा कि उन्हें तवायफ काफी पसंद आई क्योंकि उसमें मेरा नाम दाऊद था। रणबीर कपूर से रिश्ते, मेरे और रणबीर के बीच एक कांच की दीवार है, हम एक दूसरे को देखते हैं मगर कुछ भी महसूस नहीं करते। इसे सुधारने को लेकर नीतू ने प्रयास किए और मुझे भी इस बात की चिंता थी, मगर जब तक बहुत देर हो चुकी थी।